आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। जय संगठन ने खरगोन बड़वानी खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर क्षतिग्रस्त मार्ग में अत्यधिक गहरे चौड़े गड्ढे और स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स में छूट हेतु जुलवानिया टोल टैक्स MPRDC के प्रभारी रमेश राय को सौंपा ज्ञापन। 7 दिवस का दिया अल्टीमेटम। जय संगठन जुलवानिया के नेतृत्व में बड़वानी खरगोन रोड, जो खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे कहलाता है, इस मार्ग पर जगह जगह बड़वानी से लेकर खरगोन तक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मार्ग रोड होने के कारण बड़े गहरे चौड़े गड्ढे हो गए, जिससे आए दिन असामयिक दुर्घटना होने से क्षति से निजात दिलाने और शीघ्र ही सड़कों की स्थिति सुधार किए जाने व जुलवानिया क्षेत्र के नजदीक गांवों के वाहनों को जुलवानिया टोल टैक्स में छूट देने और साथ ही कल देर शाम जुलवानिया से खरगोन जा रही बस, जो डेब नदी के पुल के पास अत्यंत गहरे चौड़े गड्ढे होने के कारण खरगोन जाते वक्त मां शक्ति बस अनियंत्रित होने से पुल की रेलिंग तोड़कर लटक गई थी, जिसमें कि कई यात्री सवार थे, जिसे ग्रामीणों और पुलिस बल जुलवानिया के द्वारा सुरक्षित निकाला गया। वहीं रवि चौहान के ज्ञापन के माध्यम से टोल टैक्स MPRDC कंपनी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बड़वानी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक राजपुर, SDM साहब, पुलिस थाना प्रभारी जुलवानिया को अवगत कराया जा रहा है। यदि हमारी मांगों को 7 दिवस में टोल टैक्स कंपनी के द्वारा बड़वानी से खरगोन तक मार्ग रोड को शीघ्र बड़े बड़े गहरे चौड़े गड्ढे, रोड की साइड पट्टी मरम्मत कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता, साथ ही स्थानीय वाहनों को टोल टैक्स में छूट नहीं दी जाती, इस स्थिति में जुलवानिया टोल टैक्स का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी टोल टैक्स MPRDC कंपनी की रहेगी। ज्ञापन में जय संगठन के रवि चौहान, मनोज मुजालदे, विशाल बड़ोले, अरविंद झिल्ले, राजाराम डोडवाल, सरपंच राकेश, अजीत, अमित, लालू, संतोष, देवेंद्र, जितेंद्र, दिनेश, शुभम आदि कार्यकर्ता और वाहन मालिक उपस्थित थे। क्या नाम है आपका? रवि चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता। आप टोल टैक्स से किस संबंध में आए? आज हम जुलवानिया टोल टैक्स पे इस संबंध में आए हैं कि जो खरगोन बड़वानी के जो दो टोल टैक्स लगते हैं, जुलवानिया में है, करी में बड़वानी के नजदीक, ये टोल टैक्स के द्वारा जो टोल वसूला जाता है वाहन चालकों के द्वारा, वाहनों से मतलब अलग अलग तरीके छोटे बड़ा अलग अलग राशि दी जाती है टोल, पर इनके द्वारा टोल वसूली करने के बाद भी जो रोड पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे जोड़े हो रहे हैं, वो अभी तक गड्ढे भरे नहीं गए। अब ये सुविधा नहीं दे रहे तो फिर टोल टैक्स राशि वसूली का काम तो नियम ही नहीं बनता ना। अब सुविधा तो टोल टैक्स से लो, टोल टैक्स तो सुने रहो, राशि दे रहो, सुविधा दे नहीं रहे। अल्टीमेटम 7 दिवस का दिया गया, 7 दिवस के भीतर टोल टैक्स जो खरगोन बड़वानी का है, वो ये रोड जो 90 किलोमीटर का, यहाँ पे जो गहरे गड्ढे हैं, चौड़ीकरण जितने भी गड्ढे हैं ये भरे, और रोड के साइड जो पट्टी है वहाँ की पट्टी भरी जाए, ये चीज बढ़ जाती है, तो 7 दिवस के बाद आगे किया जाएगा। और साथ ही जो जुर्माना क्षेत्र के नजदीक छोटे अच्छा बाहर कुछ ग्रामीण व जय संगठन के माध्यम से एक आवेदन कुछ दिया है, किस संबंध में आवेदन ज्ञापन दिया है? ये रोड के गड्ढे भरने के संबंध में। हाँ, कहाँ से कहाँ तक भरने की मांग की है? ये तो हम लोग साल खेड़ा तक कंप्लीट कर चुके हैं, बड़वानी से साल खेड़ा तक जी। इसके आगे का काम जैसे ही मटेरियल मेरे पास उपलब्ध हो जाता है, अच्छा, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी साल खेड़ा से खरगोन तक गड्ढे भरना बाकी है क्या? नहीं, कुछ जगहों पर भर दिया गया है, कुछ जगह पर है जो कि भरा जाएगा। अच्छा, और कहीं पे रोड के साइड में जो साइड पट्टी भी नहीं भरी है? नहीं, अभी फिलहाल 5-6 किलोमीटर साइड पट्टी का काम किया गया है। अच्छा, और जो भी बाकी है उसको भी पूरा किया जाएगा। अच्छा, और वाहन चालकों की एक मांग थी कई दिनों से कि जो स्थानीय है जुलवाना के नजदीक वाले, और जैसे पिकअप वाहन हुआ, टेम्पो, उन्हें महीने भर का पास बना के दिया जाएगा करके मांग कर रहे हैं, तो वो क्या है उस संबंध में? उसमें जो मेरा मेरे एग्रीमेंट में है जी कि 30 दिन के जो ये होता है, एक ड्यूटी 75 एक टिकट के दाम होता है जी, 30 में करके जी उसको दिया जा सकता है, जो मेरे एग्रीमेंट में उसके अनुसार किया जा सकता है। अच्छा, इनका निराकरण कब तक हो जाएगा? गड्ढे के काम तो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, जैसे मटेरियल मेरे पास उपलब्ध होता है जी, जल्द से जल्द उपलब्ध। और इनका पास बनाने की सुविधा? सर, मेरे स्तर की बात नहीं है जी, मैं ऊपर सूचित कर दूंगा, जैसा आदेश आएगा मैं बता जी। थैंक यू।